जी ट्रिपल एस का मैं कार्यकारी अध्यक्ष। ये जंतर मंतर पे प्रदर्शन का डिमांड क्या आपका? जंतर मंतर का डिमांड का प्रदर्शन गोरखाओं का अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। गोरखालैंड अलग राज्य बने, गोरखालैंड गोरखाओं का अपना अलग चिन्हारी, भारतवर्ष में हमारे अपना योगदान महत्वपूर्ण सबकी पहचान है। इसीलिए गोरखालैंड हम लोग भारत राज्य में अंतर्गत भी मान रहे हैं। संविधानिक इस समय किस किस ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए? अभी हमारी इस संसद मार्ग के गोरखापुर मार्ग में भारत की 29 राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। प्रतिनिधि आए हुए हैं सारे भारत के प्रतिनिधि, संतान समाजिक में विश्व संगठन के कर्ता, जो भी से जुड़ी गोरखा संस्था संगठन और राष्ट्र संगठन से जुड़ी है, वो सभी लोग हमारे लिए एक गोरखालैंड मांग की एक ही आवाज़, एक ही मंच, एक ही आवाज़ के लिए कि गुंजमान कर संसद में अपनी आवाज़ पहचान कराने के लिए, गोरखालैंड मांग उठाने के लिए। और संसद के जो पहले कान में जो सांसद वहाँ बैठे हैं, जो अभी तक सुन नहीं रहा है, उनको सुनाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको उठाने बताने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किरण बीके जी, ये गोरखालैंड का जंतर मंतर प्रदर्शन का क्या मुद्दा है इस समय? जंतर मंतर में हम लोग पिछले करीबन 4-5 महीने से बैठे हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से भी वहाँ से तो हटा दिया गया। वहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ हुई जंतर मंतर में इस बार, जहाँ पर एक पूरा देश व्यापी लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाने का एक जगह दिया था, वो भी छीन लिया। एक तरीके से भारत व्यापी जनता की मौलिक अधिकार को भी छीन लिया गया। उसके बावजूद भी हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए। और आज ये आज तक ये डिमांड को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि जो गोरखालैंड की डिमांड है, इसको एक क्षेत्रीय समस्या की तरह लिया गया और क्षेत्रीय समाधान के साथ इसको निपटाने की कोशिश करी गई, जब भी चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। इस बार इसलिए हम लोग सारे 29 राज्य से गोरखा, अलग अलग राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्था, व्यक्ति विशेष, सारे हम लोग जमा होकर केंद्र में ये बताने आए हैं कि ये बंगाल की अंदर की कोई रीजनल इश्यूज नहीं है, क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये भारतवर्ष के अंदर रहने वाले 29 राज्य में रहने वाले गोरखाओं की राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय परिचय का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए अब हम चाहते हैं केंद्र जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप करे और भारत गणराज्य के अंदर एक 30वां राज्य गोरखालैंड निर्माण की पहल करे।